सब्सक्राइब कीजिए मैट्रिक्स चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में IRCTC ऐप ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप IRCTC ऐप ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए और आप अपना IRCTC अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। मैं यहाँ अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए प्लान माय जर्नी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ फ्रॉम यानी किस स्टेशन से आप जाना चाहते हैं और टू किस स्टेशन तक जाना चाहते हैं। मैं यहाँ बलिया से जाना चाहता हूँ और यहाँ वाराणसी तक जाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए डिपार्चर डेट दिया है, आप यहाँ से अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ 27 यानी 27 फरवरी को जाना है, मैं यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ सर्च ट्रेंड्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सर्च ट्रेंड्स पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ ट्रेन लिस्ट दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए आप उस डेट में कौन कौन सी ट्रेनें हैं देख लीजिए। यहाँ सद्भावना एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस और यहाँ देखिए टाइम कब मिलेंगे। देखिए ये सुबह के 7:50 पे और सारनाथ एक्सप्रेस 8:25, हरिहरनाथ एक्सप्रेस यहाँ 12 दोपहर में मिलेगा। तो आपको किस ट्रेन में जाना है वो ट्रेन आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आप किस में टिकट बुक करना चाहते हैं, स्लीपर में बुक करना चाहते हैं, थर्ड क्लास एसी में बुक करना चाहते हैं या सेकंड क्लास एसी में बुक करना चाहते हैं। मैं यहाँ स्लीपर सेलेक्ट कर लेता हूँ और देख लीजिए यहाँ 27 तारीख के डेट में कितनी सीटें खाली हैं स्लीपर में यहाँ दिखा रहा। यहाँ एसी में कितनी सीटें खाली हैं, सेकेंड क्लास एसी में कितनी सीटें खाली हैं। तो मैं यहाँ स्लीपर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे स्लीपर में जाना है। तो यहाँ 27 फरवरी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर ये फेयर ब्रेकअप दिखा रहा है यानी कि कितना रुपए आपको चार्ज पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ टिकट का प्राइस जो है 125 रुपये है और ऑनलाइन रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये हैं। आप यहाँ देखिए गो टू पैसेंजर डिटेल्स यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपका डिटेल चला आएगा। देखिए यहाँ ट्रेन का नाम दिया है और यहाँ ट्रेन का नंबर है। यह सुबह के 7:25 पे यहाँ बलिया स्टेशन से मिलेगा और वाराणसी स्टेशन 11:35 पे पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ ट्रेन का टिकट बुक करते वक्त ये स्टेटस दिखा रहा है कि 192 सीटें खाली हैं। यहाँ बोर्डिंग पॉइंट आपका दिखा देगा बलिया और यहाँ देखिए एड पैसेंजर्स का ऑप्शन है, आप यहां ऐड कर लीजिए पैसेंजर का नाम। मैं यहां ऐड कर लेता हूं। यहां पर पैसेंजर का नाम आप फिल कर दीजिए, एज सेलेक्ट कर लीजिए कि एज कितनी है। यहां जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। यहां देखिए बर्थ प्रिफरेंस का ऑप्शन है, बर्थ प्रिफरेंस जैसे ओल्ड एज के लोगों को दिक्कत होती है कि नहीं मुझे लोअर बर्थ ही चाहिए, तो यहाँ आप लोअर बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसे ये बर्थ प्रिफरेंस यानी कि आप कौन सा बर्थ ज़्यादातर प्रिफरेंस करना चाहते हैं यानी कि मुझे यही बर्थ चाहिए। अगर रेलवे में वो टिकट वो बर्थ खाली हो तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है वही बर्थ। जिसे मैं यहाँ साइड लोअर पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे यहाँ देखिए उनका नाम आ जाएगा, पैसेंजर का नाम आ जाएगा और यहाँ उम्र और स्लीपर क्लास में ये बुक कर रहे हैं। यहाँ अपना मोबाइल नंबर या जिस भी पैसेंजर का आप टिकट बुक कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए अदर प्रिफरेंस में पहला ऑप्शन है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब यह होता है कि कोई पैसेंजर 3 महीना पहले अपना टिकट स्लीपर क्लास में बुक करता है
और जर्नी के कुछ समय पहले जो कि थर्ड क्लास और सेकेंड क्लास एसी की सीटें खाली जा रही होती हैं, तो उस वक्त पैसेंजर का टिकट अपग्रेड कर दिया जाता है थर्ड क्लास एसी में या सेकेंड क्लास एसी में। तो चाहे तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहां सेलेक्ट कर देता हूं और यहां पर ऑप्शन है इंटर प्रीफर्ड कोच नंबर। यहां पर आप कौन से कोच में प्रीफर्ड करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे S4 में ही सीट चाहिए या H3 में ही सीट चाहिए, तो मैं यहां कोच नंबर दे सकता हूं, या आप चाहे तो दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। यहां देखिए रिजर्वेशन चॉइस में आप देख सकते हैं नॉन का ऑप्शन है, बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन सेम कोच, बुक ओनली इन एट लीस्ट वन लोअर बर्थ इज एलोकेटेड, बुक ओनली इफ टू लोअर बर्थ आर एलोकेटेड। यानी कि आप टिकट बुक कर रहे हैं उस वक्त आपके पैसेंजरों की संख्या है 2 या 2 से अधिक संख्या है, उस वक्त यह ऑप्शन होता है कि अगर मेरा सभी पैसेंजर का टिकट एक ही कोच में किया जाए, या दूसरा ऑप्शन है एटलीस्ट वन लोअर बर्थ ही मिले, और तीसरा ऑप्शन है बुक ओनली इफ 2, यानी यदि मेरा 2 ही टिकट लोअर बर्थ ही मिले, तो मैं यहां नॉन पे क्लिक कर देता हूं। आप चाहें तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, और यहां देखिए पेमेंट का ऑप्शन है प्लीज सेलेक्ट द पेमेंट मोड टू प्रोसीड। अगर आप पे करते हैं क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या वैलेट के थ्रू, तो आपको कन्वीनियंस फी ₹15 देना पड़ेगा। अगर आप भीम UPI या UPI पेमेंट से करते हैं तो आपको कन्वीनियंस चार्ज ₹10 देना पड़ेगा। उसके बाद यहां देखिए डू यू वांट टू टेक ट्रेवल इंश्योरेंस, क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो एक पर्सन यानी कि एक पैसेंजर का 39 पैसे पड़ेंगे, 39 पैसे यानी कि 0.549 रुपीज़। तो यहां आप चाहें तो यस कर सकते हैं या नो पे क्लिक कर सकते हैं, मैं यहां यस पे क्लिक करूंगा और रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां आप देख सकते हैं यहां ट्रेन का नाम दिया है और कितने बजे यह मिलेगा और कितने बजे तक यह आपको वाराणसी में ड्रॉप कर देगा। उसके बाद यहां देखिए यहां पैसेंजर का डिटेल दिया हुआ है, यहां पैसेंजर का डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद यहां प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें, जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां मेक पेमेंट मतलब पेमेंट का ऑप्शन है, आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, वैलेट से या मल्टी पॉइंट ऑप्शन से। तो मैं यहां डेबिट कार्ड्स IRTC के वैलेट से आप पे करना चाहते हैं या वीज़ा कार्ड से या रुपए से, मैं यहां सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे पे क्लिक कर दें, जैसे आप पे पे क्लिक, तो दोस्तों यहां पर आप अपना डेबिट कार्ड का यहां नंबर आप डाल दीजिए, उसके बाद यहां अपना एक्सपायरी डेट डाल दीजिए कार्ड का, और यहां CVV नंबर कार्ड के पीछे 3 अंक का होता है वो डाल दीजिए, और यहां जिसका भी कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो उसका यहां पर नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहां पे पे क्लिक कीजिए, जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहां पर ये OTP आ गया, उसके बाद यहां से आप OTP या तो याद कर लीजिए या कॉपी करके और यहां पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप यहां पे OTP डालकर यहां मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टिकट बुक हो जाएगा। दोस्तों मैं यहां टिकट बुक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं जाना है, मैं आपको एज अ बुक करने के लिए कैसे बुक किया जाता है दिखाने के लिए मैंने यह प्रोसेस किया है। जैसे ही आप सक्सेसफुल पेमेंट कर देते हैं तो आपने बुकिंग करते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर मैसेज चला जाएगा कि आपका टिकट बुक हो चुका है। आप ऐप में भी IRCTC ऐप में भी अपना टिकट चेक कर सकते हैं मेरा टिकट बुक हुआ है कि नहीं। आप माई बुकिंग्स ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टिकट यहां शो करने लगेगा, दिखने लगेगा। थैंक यू दोस्तों।